हेलो एंड वेलकम टू फूड फाइट, जहाँ पे मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। और आज की हमारी जो सुपर टेस्टी रेसिपी है ना, वो आज के लिए ही नहीं है बल्कि साल भर के लिए है। जी हाँ, एक बार बनाओ और साल भर आप इस अचार को एंजॉय करो। इतना खट्टा खट्टा, इतना टेस्टी सा ये अचार बनकर रेडी होता है। यूपी बिहार में तो मतलब ये काफ़ी फेमस है, तो उसी रेसिपी को मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट अपने वे में। और यहाँ पे ना कैरियाँ जो हैं वो मैं कट करवा रही हूँ। पापा जी कट कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये जो कैरी कट करने वाला आता है ना, ये मुझसे नहीं चलता भाई, ये थोड़ा सा हैवी होता है। और मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे डर सा लगता है कि कहीं मैं हाथ ना कटवा बैठूँ थोड़ी सी हूँ भी मैं ऐसी, तो इसलिए पापा जी से सारी कैरियाँ जो हैं वो कटवा ली। छोटी छोटी पीसेस ही करे हैं मैंने, क्योंकि बच्चों को ना छोटे टुकड़े ही सही रहते हैं, बड़े अगर हम देते हैं ना तो वो आधा छोड़ते हैं। और सबके लिए ही इनफैक्ट छोटे टुकड़े ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं कि हाँ जितना लेना है उतना, उस हिसाब से ज़्यादा चाहिए तो दो टुकड़े ले लो, छोटा चाहिए थोड़ा कम चाहिए तो एक टुकड़ा ले लो, मतलब कन्वीनियंट होता है। अगर आप बड़े बड़े पीसेस कर लोगे तो वो काफ़ी लोगों को, जैसे थोड़ा सा ही अचार खाना है तो बड़े बड़ा अगर पीस है तो फिर वो फालतू जाएगा, इसलिए मैंने छोटे टुकड़े करवाए। उनको अच्छे से वॉश किया, कितनी गंदगी निकली है आप देख सकते हो। जी हाँ, कट करने के बाद मैंने वॉश किया है, क्योंकि वो जो कैरी काटने वाला है ना, उससे अगर हम करते हैं ना बाद में, जब पहले अगर वॉश कर लेते हैं उसके बाद ना उस पर ब्लैक ब्लैक से निशान आ जाते हैं, क्योंकि वो आयरन का है इस वजह से या क्यों आते हैं पता नहीं, बट हो जाता है। इसलिए मैंने बाद में इनको धोया अच्छे से फ़ैन के नीचे, इनको तकरीबन मैंने 14 से 15 घंटे सूखने दिया, क्योंकि शाम को तकरीबन 7 बजे मैंने वॉश करके इनको सुखाया था पंखे के नीचे, और दूसरे दिन मैंने 11 बजे के आसपास इनको यूज़ किया, तो इसलिए आराम से ये हुए हैं 15-16 घंटे ये आराम से पंखे के नीचे सूखी हैं। उसके बाद मैंने अचार डाला है। आप धूप में रखना चाहते हो तो आप 6-7 घंटे धूप में रख सकते हो, और आप देख सकते हो बिल्कुल इन पे पानी नहीं है, मॉइस्चर जो है इनका पूरा निकल गया है, और अच्छे से ये देखो इस तरीके से ना थोड़ी सूखी सूखी सी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, अदरवाइज़ तो फिर ये एकदम ही इनका जो गुद्दा है वो एकदम ही सूख जाएगा, तो फिर अचार अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक मसाला। तो कैरियाँ हमारी आ गई हैं और उसके साथ ही अब मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर पीली सरसों ली है, 2 बड़े चम्मच ली है मेथी दाना, 2 बड़े चम्मच ही राई ली है जो बारीक बारीक आती है, सरसों नहीं राई ली है। उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच ही मैंने सौंफ ली है, ये लीजिए, और 2 चम्मच ही यहाँ पे जीरा लिया है। तो सारी चीज़ों को ना अभी हम क्या कर रहे हैं, तवा गरम करेंगे, एक पैन गरम करेंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें हम हल्का सा भूनना, मतलब ऐसा नहीं है कि भूनना है जी नहीं, इनका जो मॉइस्चर है वो हमें निकालना है। उसके लिए जो पैन है वो गरम कर लेंगे, और उसके बाद हल्का हल्का सा इनको चलाएँगे, बस ये गरम हो जाए उतना ही, आप इनको आराम से छू सको उतना हमें गरम करना है। तो इससे क्या होगा ना, जो इनके अंदर का मॉइस्चर होगा ना मसालों का, वो निकल जाएगा और हमारा अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। 7-8 देखो मैंने लाल मिर्च ली है सूखी, और हालांकि हम लाल मिर्च का पाउडर भी बाद में यूज़ करेंगे, बट इस मसाले के साथ ही मैं इसको ये भून रही हूँ। और ये मसाला भी आप ना बना कर रख सकते हो आराम से, इसको साल भर के अचारों में यूज़ करो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जब तक मसाला जो है वो हल्का ठंडा हो रहा है तब तक तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप मैंने तेल गरम किया है, सरसों का तेल गरम किया है। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, इसको भी एकदम ठंडा होने देना है, एकदम नहीं मतलब हल्का, अगर आप उंगली डालकर देख सको उतना। अभी मसाले एकदम ठंडे हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एक जार में, और दरदरा सा हमें पीसना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा सा ही रखेंगे। तो चलिए फटाफट से ये मसाले भी हम भून लेते हैं। तो ये पिसा हुआ मसाला हम यूज़ करेंगे, उसके साथ ही थोड़े से बिना पिसे हुए मसाले भी यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से जो मसाला है उसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो साइड बाय साइड सारे काम होते जा रहे हैं, हमारा तेल भी जो है वो ठंडा हो रहा है, मसाले इधर पीस रहे हैं, और सारी चीज़ें ना साथ साथ करते रहते हैं ना, तो अचार जो है बनाने में ज़्यादा ज़ोर नहीं आता। और एक बार ये मसाला आप बनाकर रख लोगे ना, तब तो बिल्कुल ही ज़ोर नहीं आएगा, कोई भी अचार आप बना सकते हो। काफ़ी बार ऐसे होता है ना, सीजनल सब्जियों के अचार भी हमें काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से दरदरा सा हमें पीस लेना है। अभी ये जो मसाले हैं वो मैं पूरे यूज़ नहीं करने वाली हूँ, देखो जो तेल है वो इतना है कि मैं इसको आराम से छू सकूँ, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, इस तेल में डालूंगी मैं एक बड़ा चम्मच कलौंजी, एक बड़ा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अजवाइन, इसके साथ ही एक चम्मच हम हींग डालेंगे। इन सबका ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी यहाँ पे दो चम्मच मैंने डाली हैं लाल मिर्च पाउडर और एक कप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये जो हमने मसाला पीसा था वो। तो 2 किलो कैरी का अचार मैंने डाला है, उसमें मैंने एक कप ये जो पिसा हुआ मसाला है वो डाला है। आप अगर आपको ज़्यादा चाहिए मसाला तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बट इसमें भी ये ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा बनता है। अभी नमक स्वादानुसार डालेंगे। कैरियों पे हमने बिल्कुल भी कोई नमक हल्दी कुछ नहीं लगाया था, हमारी कैरियाँ जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश जैसी हैं वैसी ही हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं 2 चम्मच विनेगर यूज़ कर रही हूँ। विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है और हमारा जो अचार है वो साल भर तक एकदम टिका रहेगा। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि विनेगर डालो ही आप, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में अगर आप अचार डाल रहे हो तो थोड़े से फंगल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उस वजह से मैंने विनेगर डाला है, तो थोड़ा कम चांस रहेगा कि ख़राब हो मेरा अचार। हालांकि बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम अच्छा सा ये बना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे गैस मैंने ऑन कर दी और इस अचार को मैं अलट पलट करके थोड़ा सा पकाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसलिए पका रही हूँ ताकि हमारी कैरी जो है वो जल्दी गले और साथ ही साथ ना जो अचार है वो भी उसका भी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगा। अगर कैरियों में थोड़ा सा भी मॉइस्चर और आपको लग रहा है तो इस टाइम पे निकल जाएगा और अच्छे से हमारी जो हमारा अचार जो है वो बनेगा। तो मैं ये एक डिफरेंट चीज़ कर रही हूँ क्योंकि जो यूपी बिहार में अचार होते हैं ना उनमें उनको पकाया नहीं जाता है, उनको कच्चा ही डाला जाता है और कच्चे तेल में ही वो होते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने तेल को भी पकाया है और इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस अचार को भी पका रही हूँ। मेरी नानी अक्सर छोंक करके ही डालती थी अचार और वो रेसिपी तो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे, बट ये याद है कि उनकी खुशबू पूरे घर में रहती थी और मुझे ऐसे है कि वो छोंकती थी अचार को और वो बड़े बड़े बर्तनों में होता था, बड़े बड़े बर्तनों में अचार डलते थे। अभी तो इतना नहीं होता है बट पहले बहुत ऐसे बड़े बहुत सारा अचार डलता था। और अभी देखो इस अचार को हम पूरा एकदम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद जार में डालेंगे तो हमारा अचार जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी खा तो नहीं सकते क्योंकि 4-5 दिन हम इस मसालों को कैरी जो है वो सोक करेगी तो कैरी के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर आएगा। तो 3-4 दिन तो आप इसको ऐसे ही रखें, थोड़ा थोड़ा बीच में अलट पलट कर दें, जो भी कैरियाँ बीच में डूब नहीं रही हैं तेल में उनको थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे और उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। और देखो मेरा तो इतना सारा अचार डल गया। हालांकि अब ये अचार इतना टेस्टी बना है ना, मुझे ये अचार भी कम लग रहा है कि यार थोड़ा सा अचार और डाल लूँ कैरियाँ जाने से पहले। तो मैं तो बहुत सारा अचार ये डालने वाली हूँ और बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ इसको। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इन्जॉय करें इसे।